बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ नजर आए एनजीओ शिक्षा के इवेंट पर, जहां टाइगर ने बच्चों के साथ मस्ती की और उन्हें डांस और स्टंट भी सिखाया। इस मौके पर टाइगर ने ये भी बताया कि वो बहुत बुरे स्टूडेंट थे और स्कूल बंक भी किया करते थे। मैं बहुत बदमाश बदतमीज स्टूडेंट था यार, सच बताओ तो। मेरा ध्यान हमेशा स्पोर्ट्स पे ही था, हालांकि पढ़ाई में मैं ठीक ठाक कर लेता था, 60% लाता था मैं, ऐसे तुक्के मारता था हमेशा। डैडी से ज़्यादा मम्मी बहुत स्ट्रिक्ट थी एडुकेशन के मामले में, क्योंकि मैं जब भी स्कूल मैं नहीं जाना चाहता था तो हमेशा डैडी को ऐसा पकड़ता था, और क्योंकि डैडी मेरे सुपर हीरो थे तो आई यूज़ टू ऑलवेज गेट अवे विद इट, यू नो। माय डैड हमेशा प्रोटेक्ट करते थे मुझे, बोलते थे मम्मी को कि उसको जान दो यार, व्हाट मतलब लेट हिम बी, एक दिन बंक किया तो क्या। हालांकि ये गलत बात है, प्लीज स्टूडेंट्स डोंट बंक, डू नॉट बंक स्कूल। आपको बता दें कि कम समय में ही टाइगर बॉलीवुड का जाना माना चेहरा बन गए हैं। टाइगर इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म मुन्ना माइकल के प्रमोशन में बिजी हैं। फिल्म 21 जुलाई को रिलीज होगी। बॉलीवुड के अपडेट्स और गॉसिप न्यूज के लिए मायापुरी कट सब्सक्राइब करना ना भूलें।